पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 7 दिवसीय श्री शिव मानस राम कथा का आयोजन लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। इस दौरान कथावाचक रवि शास्त्री भारद्वाज महाराज के मुखारबिंद से कथा का वाचन किया जाएगा। श्रावण मास में श्री राम कथा के प्रथम दिवस कथावाचक श्रद्धे शिव शास्त्री भारद्वाज जी का महानगर मुरादाबाद के प्रसिद्ध निर्यातक और वरिष्ठ समाजसेवी महेश अग्रवाल और महेश बंसल तथा महापौर विनोद अग्रवाल के साथ अनेक भक्तों द्वारा व्यास गद्दी पर तिलक लगाकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात कथा व्यास श्रद्धे रवि शास्त्री भारद्वाज ने अपने मुखारबिंद से संगीत में शिव मानस राम कथा का श्रवण का महत्व बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नानक जी के पास पहुंच गए और नानक जी से कहने लगे, प्रभु कुछ आशीर्वाद दे दो ताकि मेरा धन वैभव बना रहे। गुरु नानक देव जी को जानते थे कि परमात्मा ने शेर के ऊपर बड़ी बड़ी बात कही, तो नानक जी ने कहा, शेर जी मेरा एक काम आप कर दो तो मैं आज आज निमंत्रण घर जाने पर स्वीकार कर लेता हूं। शिव जी ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा तैयार। बोले, मेरे पास एक सुई है, सुई जानते हैं कपड़ा सिलने वाले। बोले, मेरे पास एक सुई है, धरोहर है, ये बहुत मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं चाहता हूं कि जब मैं मरने के बाद मैं भगवान के धाम पर जाऊं और आप भी भगवान के धाम जाएं तो मेरी ये सुई साथ में लेते चले जाए। आप भी बड़ी पुण्यात्मा हो तो वहीं पर ले लेंगे, तो आप मेरी सुई ये मुझे वहां दे रहे। बोले, ठीक है प्रभु। अब घर आ गया सेठ जी। घर आने के बाद सेठ सोचने लगा, ये नाना जी ने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। अरे, जब कोई साथ लेकर के नहीं जा सकते तो भला मैं सुई कैसे लेके जाऊंगा। पूरी रात शेर की कोई नींद नहीं आई। प्रातःकाल हुआ, जल्दी जल्दी स्नान किया, ध्यान किया, आज पूजा पाठ में भी मन नहीं लगा और गया नाना जी के चरणों पर चंद्र रखन करके कहने लगा, भगवान जब साथ में कुछ नहीं जाता तो मैं सुई कैसे ले जाऊंगा। तो नारायण जी कहने लगे, यही तो मैं समझाना चाहता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।